हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आपके ही चैनल पे मैं हेमल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच आप हमसे जुड़े हो। और हमने पहले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन किया था, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद सेकंड अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, थर्ड हमने किया था एडमिशन, फोर्थ किया था रिटायरमेंट, आज फिफ्थ हम करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मैं करा था कुछ नहीं, बस एक सम आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कराता हूँ और बताता हूँ कितने का मतलब कितने कितने मार्क्स आपको आएंगे, क्लियर, और कैसे टाइप के एडजस्टमेंट आपको आएंगे। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव पे हम नज़र मार लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आपको यहाँ पर करना क्या, चार में से कोई एक सिलेक्ट करना है, क्लियर है। अब पहला वेरी फर्स्ट देखो, आपको इतना पता होना चाहिए एडमिशन में क्या आता है, सेक्रीफाइस आता है, रिटायरमेंट में क्या आता है अपने लिए, गेन रेशो आता है, और डेथ में अपने लिए क्या आता है बेटा, बेनिफिट रेशो आता है, क्लियर है। और मतलब गेन और बेनिफिट रेशो दोनों एक ही होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बेनिफिट रेशो इज अ रेशो इन विच क्या रहेगा, द ओल्ड पार्टनर गेन एंड द एडमिशन पार्टनर है, इतना पता होना चाहिए। बेनिफिट रेशो कभी आता है, डेथ में आता है, तो एडमिशन का आएगा नहीं। गुडविल, अरे गुडविल कहाँ से आएगा, पहला ही वर्ड पता होना चाहिए, गुडविल में आएगा ही नहीं एडमिशन। ऑल पार्टनर आर बेनिफिट, ये भी नहीं आएगा। द कंटिन्यूइंग पार्टनर बेनिफिट और ने क्या लिखा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो अपना ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर कोई क्या होता है, बेनिफिट होता है, कभी जब भी कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट या तो डेथ होगा। सिंपल सा लॉजिक है, तीन भाई है आपके घर पे, तीन में से एक भाई चला गया, क्लियर है, कहाँ चला गया मुझे पूछना, तो आप दोनों को भाई बहन को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि उससे इसके हिस्से का आप खाना किसको मिलेगा, आप दोनों को मिलेगा, क्लियर है। तो कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग। द रेशियो बाय विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर आर अ बेनिफिट, उसे कौन सा रेशियो बोला जाएगा, गेन रेशियो बोला जाएगा, क्लियर है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को बेनिफिट, गेन रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शो इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन अ डैश साइड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट शो इन द बैलेंस शीट, कौन सी साइड पर शो होता है, असेट साइड पर क्या होता है माई डियर स्टूडेंट, शो होता है, क्लियर है। डेथ इज़ अ कंपल्सरी, क्या बोला जाएगा उसको, रिटायरमेंट बोला जाएगा, अरे डेथ होता है, सिंपल सा, डेथ होगा तो डिसोल्यूशन थोड़ी होगा, अरे डेथ में एडमिशन कहाँ से आएगा, वाइंड अप, अरे कोई मर गया तो बिजनेस थोड़ी बंद होगा, उसका मतलब क्या होगा, पार्टनर, मैंने बताया था डेथ और रिटायरमेंट दोनों सेम ही है, आप डेथ करो या रिटायरमेंट करो, अल्टीमेटली आपको रिटायरमेंट आ रहा है, डेथ ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा, क्लियर है, ये है। आगे, द बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर ऑन हीज डेथ इज अ ट्रांसफर टू डैश अकाउंट, देखो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जाम में आता है, अगर कोई भी पार्टनर अगर होता है तो रिलेटिव इसमें आता नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन कभी आता है, जब भी पार्टनर क्या होता है रिटायरमेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है माई डियर स्टूडेंट डेथ, डेथ में क्या आता है लीगल हायर्स लोन एग्जीक्यूटर, या तो क्या आता है आपको पता होना चाहिए, क्या आता है नॉमिनीज अकाउंट आता है, क्लियर है, ये आपको याद रखना, कौन सा ऑप्शन आएगा, बी माई डियर स्टूडेंट आ जाएगा, क्लियर है, ये आपको याद रखना। द पार्टनर वो डाई, उसे क्या बोल, डाइसिस पार्टनर बोला जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, डाइसिस पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट इज शो ऑन द डैश साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, देखो जो भी पार्टनर मर गया उसका अकाउंट्स कहाँ पर शो होता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर बोला ही है बैलेंस शीट की कौन सी साइड होगा, लाइबिलिटी साइड पे शो होगा। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अ रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट अ मोर शेयर ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड, ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको ही बताना है, क्लियर, आपको क्या आएगा इसका आंसर मुझे पता है, आगे वो आगे गया है, आगे गया है। डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ अ प्रॉफिट अप टू द डेथ इज शो ऑन द डेथ साइड ऑफ अ बैलेंस, डाइसिस पार्टनर का प्रॉफिट होगा वो कहाँ पर शो होता है, असेट साइड पे माय डियर स्टूडेंट होता है, याद करो असेट साइड पे क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देखो डायसिस पार्टनर प्रॉफिट अप टू द डेथ शो ऑन द असेट साइड पे, याद करो वहां पर नाम क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट नाम आ जाएगा, क्लियर है। बेनिफिट रेशो कैसा रहेगा, न्यू रेशो माइनस क्या रहेगा ओल्ड रेशो, क्लियर है। व्हेन द गुडविल इज अ राइज एंड इट्स क्या लिखा है, फुल वैल्यू एंड इट्स रिटर्न ऑफ, क्या बोल रहे हैं, डैश अकाउंटिंग इज टू बी क्या रहेगा, क्रेडिट, अगर गुडविल क्या हो रहा है राइज हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं बेटा, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो डैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट होगा माय डियर स्टूडेंट, गुडविल अकाउंट ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है।
कि गुडविल डेबिट में आता है राइज, अगर उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स थे। तो माय डियर स्टूडेंट, चलो हम सम स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन वन करेंगे, पेज नंबर 188 पे दिया गया, 188 पे दिया गया। क्या दिया है? रेखा मेनका मुक्ता आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, क्या दिया है? 2:2:1। तो माय डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले देखते मुक्ता डाई कभी हो रहा है, 1 जुलाई 2019 को हो रहा है। तो देखो अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म, 31 मार्च 2019 के बाद स्टार्ट कभी होता है? 1 अप्रैल 2019 को। देखो मार्च के बाद पहला वाला दिन क्या रहेगा? अप्रैल रहेगा। क्लियर है? अभी देखो अप्रैल है, अप्रैल टू मुझे क्या करना है? 1 जुलाई। अप्रैल टू मुझे क्या करना है? 1 जुलाई 2019 का ना। देखो ये अप्रैल पूरा महीना, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई के बाद क्या आता है? जून। सर जुलाई है नहीं, जुलाई को तो मर गया। तो टोटल कितने महीने हो माय डियर स्टूडेंट? 3 मंथ क्या आपको हो गए? टोटल कितने महीने आ गए माय डियर स्टूडेंट? 3 मंथ आपके लिए आ गए। क्लियर, इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले कैपिटल रेखा मेन का मुक्ता का कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा। वहाँ पर नाम क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, क्रेडिट और लाइबिलिटी बिल्स पेबल जनरल रिजर्व देखो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कौन से रेशो में? 2:2:1। मतलब देखो 16,000 डिवाइड बाई मुझे कितना करना है? 4। तो 4 सा कितना होता है? 16। मतलब फर्स्ट वाले का कितना आएगा सर? 8,000 आ जाएगा, दूसरे वाले का 4,000, वापिस से तीसरे वाले का भी कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। क्लियर, इतना सिंपली सिटी दिया रहता है जनरल रिजर्व, बस थोड़ा सा हमें करना होता है। क्लियर है? प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, डेटर असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बैंक असेट। ऑलरेडी जो डेटर में से लेस आरडीडी वाला एडमिशन और रिटायरमेंट में मैंने आपको कराया था। क्लियर है? मतलब सिमिलरली सारे टाइप के सब मैं यहाँ पर कर पर, मेन मेरा फोकस यहाँ पर गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड कितना हो गया? 70। देखो बुक में कितना दिया है? 60। तो 10,070 हो गया, मतलब 10,000 वैल्यू क्या हो रहा है उसका? ऐड हो रहा है। क्लियर है? तो प्लांट एंड मशीनरी को मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। आर डी डी इज टू बी क्रिएट 2000, मतलब डेटर में से 2000 माइनस करना है। क्लियर है मुझे? तो डेटर को भी मैं क्या कर दूँ? स्टार कर दूँ। उसके बाद क्या दिया गया? ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट अमाउंट कितना दिया है? 10,000। देखो ड्रॉइंग कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आता है? डेबिट साइड। पता है कि नहीं पता? ड्रॉइंग ऑलवेज क्या रहेगा? डेबिट साइड। तो सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? सेकेंड इफेक्ट देखो ड्रॉइंग डेबिट है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ आता है? एक डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, पर क्रेडिट में सर लाइबिलिटी साइड जी नहीं। ये सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इतना याद रखना, मोस्ट इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ड्रॉइंग दिया, तो सेकेंड इफेक्ट सर इसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ होता है? बैलेंस शीट की कहाँ होता है? असेट साइड पे माय डियर स्टूडेंट होता है। मतलब जब भी असेट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखे तभी हमें पता होना चाहिए उसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया, ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, मतलब बैलेंस शीट असेट साइड में से क्या हो जाएगा? लेस। चाहिए तो और अच्छे से आपके लिए मैं लिख के बताता हूँ। तो सेकेंड इफेक्ट सर क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड पे तो जाएगा, पर उसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। किस में से लेस हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऐसे एडजस्टमेंट आने के चांसेस काफ़ी हाई मुझे लग रहे हैं। क्या बोल रहे? ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेथ अमाउंट कितना दिया गया? 10। बेटा ड्रॉइंग कहाँ आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आता है? डेबिट साइड। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट। अरे ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग मीन्स टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अरे पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा सर? लेस होगा। किस में से लेस होगा? ये बैंक में से क्या हो जाएगा? लेस। अरे ड्रॉइंग करेगा मतलब पैसा क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। तो बैंक को भी क्या कर दूंगा सर मैं? स्टार। क्यों सर स्टार? क्योंकि बैंक में से पैसा जाएगा ना, ड्रॉइंग कर रहा है मतलब पैसा लेके जा रहा है। क्लियर है? और उसका ही सिमिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया गया? 1,000 रुपीज़ दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आता है? आप सभी को पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ आता है सर? डेबिट साइड।
सर सेकेंड इफेक्ट भी बैलेंस शीट में ही जाएगा? हाँ जी, सेकेंड इफेक्ट भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा? असेट साइड। पर सर लेस होगा बैंक में से? जी नहीं, ये लेस किस में से होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से क्या होने वाला है लेस? सर क्यों सस्पेंस अकाउंट में से लेस हो जाएगा? हम इस पर क्या कर रहे, जो मर गया है उस पर तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्लियर है? तो मतलब इंटरेस्ट का मतलब पैसा थोड़ी चार्ज करो, मतलब पैसा चार्ज करो तो कहाँ पर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अभी तो तुमने चार्ज कर दिया, क्लियर है? पैसा अभी थोड़ी देना है, पैसा कभी होगा, ये बाद में क्या करेगा, तुम्हें इसको पे करना है, तो इसके लिए नाम क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मतलब दोनों की एंट्री सेम ही है सर, ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? सेकेंड इफेक्ट, ड्रॉइंग कर रहा है तो लेस बैंक में से लेस हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो लेस होगा, किस में से लेस होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और वो भी कहाँ होता है? बैलेंस शीट असेट साइड में ही होता है, क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, हर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट, क्या बोल रहे हैं? थ्री ईयर्स परचेस, थ्री ईयर्स परचेस ऑफ, देखो यहाँ पर कितना दिया है, थ्री ईयर्स परचेस दिया गया है, क्लियर आपको? तो यहाँ पर मैं जरा अंडरलाइन कर दूँ, थ्री ईयर्स परचेस प्रॉफिट ऑफ लास्ट चार साल का प्रॉफिट दिया है, पहले साल का 1,50,000, सेकेंड ईयर का 1,30,000, 70 और 50,000 दिया गया है। डायसिस पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या दिया गया है यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट टू ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, क्लियर है? अभी देखो इन दोनों के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपके लिए, इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा दोनों के लिए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या बनेगा? गुडविल बनेगा और ये भी बनेगा, क्लियर? तो इसका क्या एंट्री कैसे होगा मैं आपको बता, पहले काम करते हैं छोटा छोटा, फटाफट ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या पर जाएगा? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो मैं भी चलो बुक ले लेता हूँ हाथ में। फर्स्ट पेज पे क्या रहेगा? इन द बुक्स ऑफ रेखा मेनका रहेगा, मुक्ता नहीं रहेगा, मुक्ता तो मर गई। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, और उसके नीचे ही आपको क्या बनाना है, ये देखो मैंने छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, बना दिया है, क्लियर? यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर आ जाएगा, क्लियर है? ये साइड को क्या बोलेंगे, और कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाता है? कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया गया माय डियर रेखा का? 60 70 34, तो 60 70 और कितना दिया गया है? 34,000 दिया, और इसी के अंदर क्या आता है? बाय जनरल रिजर्व आता है, तो क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखना है? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कौन से रेशो में जाएगा माय डियर स्टूडेंट? एक्चुअली जगह का यहाँ पर शॉर्टेज होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 2:1:1 में जाएगा। तो इसको कितना आया था? 8,000 आया था, इसको 4,000, और इसको भी कितना आ जाएगा? 4,000 माई डियर स्टूडेंट आ जाएगा, क्लियर है? ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहे थे हमें, डायरेक्ट बैलेंस शीट में सॉरी क्रेडिटर बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल यहाँ पर थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिख दो, क्रेडिटर और क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल आ जाएगा, क्लियर है? क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया गया? 18,00,000, और बिल्स पेबल का वैल्यू कितना दिया गया है? 2,000 रुपीज़ हमें दिया गया है, क्लियर है? उसके बाद क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी, जिसको स्टार है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड क्या आ जाएगा? मशीनरी। प्लांट एंड क्या आ जाएगा? मशीनरी कितना दिया गया है वैल्यू सर? 60,000, तो 60,000 इनर में आएगा, स्टार रहेगा, तो क्लियर है? तीन लाइन क्या करना है छोड़ देना। उसके बाद है डेटर, डेटर को भी सर स्टार है, तो ये मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर? डेटर्स लिख दूँ। डेटर्स का वैल्यू कितना दिया गया है? 50,000, 2,000 मुझे पता है, RDD लेस करना है, क्लियर है? उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर को स्टार नहीं है, क्लियर है? तो यहाँ पर फर्नीचर डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? आउटर साइड में चला जाएगा। एक बार देख लेता हूँ, फर्नीचर को स्टार नहीं है, डायरेक्ट 30,000 फर्नीचर कहाँ चला गया? आउटर में चला गया है, क्लियर है? और ये बैंक को स्टार है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक, और बैंक का माय डियर स्टूडेंट वैल्यू कहाँ आ जाएगा? इनर साइड में आ जाएगा, क्लियर है? अमाउंट कितना दिया गया है? 60,000 दिया गया है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल सिंपल है। आगे क्या बोल रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रीवैल्यू कितना हो गया? 70। देखो यहाँ पर मैंने बताया था प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 70, मतलब 10,000 वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एड रीवैल्यू, क्या आ जाएगा? एड रीवैल्यू, एड आपको क्या लिखना है यहाँ पर? री वैल्यू लेना। अभी तुम पूछोगे सर इसके टैली के कितने मार्क्स रहेंगे एग्जाम में,
टैली ये 2 मार्क्स रहेगा, 10 मार्क का सम आएगा, 5 मार्क एडजस्टमेंट के रहेगा, 4 मार्क ट्रांसफर के रहेगा, क्लियर है? सॉरी 10 मार्क का सम है, टोटल आपका 10 मार्क का सम है। 10 में से एक अज्यूम करके चलो, 2 मार्क टैली के पकड़ लो, 1 मार्क फॉर्मेट के पकड़ लो, 4 मार्क आपके एडजस्टमेंट के पकड़ लो, तो बचे कितने सर? 3 मार्क। तो ये 3 मार्क आपको ये सब ट्रांसफ़र करना है ना, उसके मार्क्स रह गए, क्लियर? आपको ऐसा पकड़ के चलना। तो कितना आ जाएगा ये सर? आपको आ गया 70,000, 10,000 का क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो प्लांट एंड मशीनरी की कहाँ लिखना है मुझे? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय प्लांट एंड क्या आ जाएगा? मशीनरी आ जाएगा। बाय प्लांट एंड क्या आ जाएगा? मशीनरी। कितना आ गया सर? 10,000 रुपीज़ आ गया, क्लियर? इसको चाहिए तो अकाउंट आप लिख देना, क्लियर है? उसके बाद देखो डेटर में से क्या करना है। आरडीडी कितना बोला है? 2%, 2000 मुझे बोला गया है, क्लियर है? तो आरडीडी मतलब डेटर में से क्या करना है? लेस करना है। तो लेस आरडीडी कितना लेस करना है सर? 2000। आउटर में कितना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा। 2000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। तो 2 RDD अमाउंट कितना आ गया सर? 2000 रुपीज़ आ गया, क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, हो गया। आगे क्या बोल रहे? ड्रॉइंग ऑफ मुक्त अप टू द डेट अमाउंट कितना दिया गया? 10,000। तो ड्रॉइंग कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, क्लियर है? तो ड्रॉइंग कहाँ जाता है माय डियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, तो क्लियर है? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? टू ड्रॉइंग, थोड़ा सा छोटा हो गया ये, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्लियर है? चलेगा, चलो ठीक है। तो ड्रॉइंग कहाँ जाएगा? टू ड्रॉइंग्स। मुक्ता में कितना लिखना है? 10,000। और सेकेंड इफेक्ट सर कहाँ जाएगा? ये मैंने बताया था बैंक में से क्या होगा? लेस होगा। लेस क्या लिखना है यहाँ पर? ड्रॉइंग मेड बाय मुक्ता कितना सर लिखना है? 10, मतलब 60 में से सर 10,000 चला गया, तो बचेगा कितना? 50,000 आपको क्या होगा आउटर साइड पे क्या होगा? बचेगा, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ये हो गया। अभी क्या बोल रहे चलो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बोल रहे हैं यहाँ पर? 1000। और ड्रॉइंग कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस अकाउंट आया नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। पहले अभी टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लिख देते, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है सर? 1000। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा? सस्पेंस, मतलब सस्पेंस अकाउंट कहाँ रहता है? बैलेंस शीट असेट साइड। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे होता है, पर वहाँ पर लिखना नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसमें से क्या होगा? लेस होगा। क्या लेस होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय मुक्ता, क्लियर है? कितना लेस करना है? 1000 रुपीज़ क्या करना है मुझे? लेस करना है। इसको चाहते तो हम ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, क्लियर है? आपको जैसा जमे वैसा आपको क्या करना है? लिख देना है, क्लियर है? ये हो गया। चलो आगे बढ़ते, ही शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटिंग, क्या बोल रहे? 3 ईयर्स परचेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर। वर्किंग नोट के लिए आपको अलग से पेज बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया गया? 1,50,000 प्लस कितना दिया गया? 1,50,000, 1,30,000, 70 और 50, क्लियर है? और 70 और कितना दिया गया? प्लस 50 दिया गया है, क्लियर है? देखो 1,30,000 प्लस 70 कितना होता है? 2,00,000। और ये भी कितना होगा? 2,00,000। मतलब टोटल कितना हो गया? 4,00,000 हो गया। अभी क्या निकालना है मुझे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज मत लिख देना, क्लियर है? टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,00,000
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितना दिया गया, देखो मैंने भी आप गलती से तीन लिख दिया, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया गया, चार, कैसे, एक दो तीन चार, तो चार आ गया, तो आंसर 4 लाख को डिवाइड बाय 4 करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए आएगी। क्लियर है, ये मुझे क्या मिला, एवरेज प्रोविफाइन क्या करना है, गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट, गुडविल इज इक्वल टू, देखो आप डेथ का सम कर रहे हो तो अज्यूम करके चलना कि ये आपके लिए आने ही वाला है। क्लियर, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ क्या दिया गया यहाँ पर, ईयर्स परचेज, सर ये एवरेज प्रॉफिट तो है अपने पास 1 लाख, अभी ईयर्स ऑफ परचेज कहाँ दिया है जरा हमको बता दो, तो जरा यहाँ पर देखो झलक मारो, तो कितना दिया गया, ये नंबर ऑफ 3 ईयर्स परचेज मिला, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया, 3 ईयर्स परचेज। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 लैक्स आ जाएगा। अभी ये गुडविल किसका है माय डियर स्टूडेंट फर्म का, अभी किसका निकालना है, जो मर कौन गया है यहाँ पर, मुक्ता ना, तो यहाँ पर हमें किसका निकालना है, मुक्ता का गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मुक्ता, मुक्ताज गुडविल लिखो ना, मुक्ताज गुडविल, देखो टोट गुडविल कितना है, ये तो 3 लाख, मुक्ता का रेशो कितना दिया गया है सर, 1/4, तो इसको डिवाइड करना है, 4 7 28, कितना बचेगा 2, कितना है 75,000, आपको क्या आ गया मुक्ता का, क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पर मैं बुक में देखते जा रहा हूँ उसका गुडविल का अमाउंट भी कितना दिया है, 75,000 दिया गया। तो सर इसकी जनरल एंट्री बता दो, दो जनरल एंट्री, गुडविल आप सभी को पता है गुडविल अपने लिए क्या होता है असेट, तो सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड, एक असेट से, असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिट, सर एक डेबिट तो दूसरा डेबिट नहीं हो सकता, कहाँ जी हो सकता है, पर एक में क्या होता है लेस होता है, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, क्रेडिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, सर क्रेडिट में किस में जाएगा, सब में नहीं जाएगा, खाली किस में जाएगा, मुक्ता में ही जाएगा। क्लियर है, तो बैलेंस शीट असेट साइड पे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, गुडविल कितना लिख देना है, 75,000 लिख देना है। सर अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ करने बोलेगा तो कल मैंने जो सम कराया था अपना रिटायरमेंट, उसमें गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब क्या करना है, कैंसिल, कैंसिल करेंगे तो गुडविल कहाँ था, डेबिट में, तो वो कहाँ चला जाएगा, इसकी जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पर गुडविल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, 75,000, यहाँ पर कौन रिटायरमेंट को हो रहा है, मुक्ता, तो यहाँ पर किसका नाम रहता है, मुक्ता कैपिटल अकाउंट होता है। क्लियर है, कितना होता है सर, 75,000, अगर गुडविल को रिटर्न, तो गुडविल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, अभी हमने सम एडजस्ट फीलिंग द गुडविल जब रिटर्न होता है डैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो क्या होता है गुडविल, तो क्रेडिट में गुडविल, तो डेबिट में किसका नाम होगा, दो कंटिन्यूइंग पार्टनर का क्या हो जाता है, नाम आ जाता है। क्लियर है, जो रिटायरमेंट वाला कल सम किया, मतलब ओवरऑल, मतलब ऐसे ही आँख बंद कर सम नहीं करा रहा, थोड़ा मैं प्रीवियस, मतलब आपने ओवर सम किया रहेगा, ये सम किया, दोनों का मिक्सचर करो, कोई भी सम आए आप इजीली क्या करोगे, कर सॉल्व कर सकते हो, जैसे रिटायरमेंट और एडमिशन, याद करो डेटर में से, पता है याद करो डेटर था उसमें से RDD दिया होता है। क्लियर है, वो वाला सब मैंने कराया था, अगर RDD बढ़ेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, कम होगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं दोनों तरीके से सोच रहा हूँ, अगर आप तीनों सम कर लो तो डेफिनेटली, रिवीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे सम चुनो जो एग्जाम पर्पस के लिए बेस्ट हो, तो मैंने वही चुना है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट पर, नाम क्या आ जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट कितना आ जाएगा सर, 75,000 क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया सर गुडविल वाला, अभी ये भी बता दो सर, द डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द दैट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स मतलब कौन सा है, 3 और 4, यहाँ पर अच्छा है देखो, 3 और 4, 3 का कितना है 70 और 4 का कितना है 50, तो इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऑन, सॉरी बच्चे लोग, प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या आ जाएगा, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 साल का, यहाँ पर लिख देना, तो लास्ट
टू ईयर्स, तो लास्ट टू ईयर्स का आपको ऊपर भी चाहिए तो दिखाई रहेगा कितना आता है, 70 प्लस 50 डिवाइड बाय क्या करना है 2। थोड़ा आप लोग अभी टोटल प्रॉफिट मत लिखो, डायरेक्ट करो तो कितना आ जाएगा ये 120 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60,000 आ गया। क्लियर है? अभी इसको नाम क्या देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या देते हैं, सस्पेंस अकाउंट देते हैं। इसको नाम क्या देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या करते हैं, नाम देते हैं। सर 60,000 पूरा लेता है जी? नहीं, 60,000 तो सबका प्रॉफिट है। इसके में से मुक्ता का कितना है, रेशो क्या है, 1/4। मल्टीप्लाई सर कितना महीना काम किया, देखो बच्चे लोग यहाँ पर कितना महीना काम किया, 3 महीना। 1 जुलाई को तो मर गए मुक्ता डाई, तो अप्रैल मई जून कितना महीना हुआ, 3। जुलाई को नहीं है तो टोटल कितने महीने का आएगा, 3 महीने का। सर अक्टूबर रहेगा तो 6 महीने का, तो जुलाई जून रहेगा, अक्टूबर रहेगा या तो दिसंबर रहेगा, क्लियर है, या तो 1 जनवरी भी हो सकता है, क्लियर है। तो आपको कैलकुलेशन करना, डोंट वरी, आगे सम भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या इसको करना है। तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 1 3 3 4 कितना होगा, 12 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 5 20 कितना आया, 15,000 डिवाइड बाई कितना करना है मुझे, और 4 करना है, 15,000 डिवाइड बाई 4, 4 3 12 कितना बचा सर, 3 0 नीचे आ गया, 4 7 28 कितना बचा, 2 ये 0 आ गया, 4 5 20 कितना आया सर, 3 7 50 मुझे क्या आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सर इसकी दो इफेक्ट क्या होती, पहला इफेक्ट आप सभी को पता है, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी, असेट साइड, और सेकेंड इफेक्ट, एक असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट, और क्रेडिट में किसका आएगा, मुक्ता का नाम आ जाएगा, प्रॉफिट एंड यहाँ पर चाहिए तो लिखना मुक्तास प्रॉफिट कितना आया सर, 3 महीना काम किया तो 3 महीने का पैसा देना पड़ेगा, क्लियर है, कितना आया सर, 3750 आया, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 3750 मैंने लिखा, लेस 1000 ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन रेंट, आउटर में कितना आएगा 2750, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, कितना आया सर, 3750 आया। सर अभी आगे कुछ करना है जी? नहीं, सम अपना क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्लियर है बच्चे लोग, बहुत ही सिंपल था, टैली भी करके आपको बता देता हूँ कैसे क्या आएगा। इसके बाद जो एक और एडजस्ट सम है उसके मेरे को क्या करना है, आपके थोड़ा एडजस्टमेंट डिस्कस करने हैं, क्लियर है, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए मेरे बच्चे लोग का, कुछ 80 में से 80 आना चाहिए, क्लियर है सर। 80 में से 80 आने के लिए क्या करना चाहिए, डोंट वरी, ये पूरा सीरीज तो ख़त्म होने, तो रिवीज उसके बाद सब कुछ बताऊँगा, एग्ज़ाम के पहले आधे घंटे या 1 घंटे पहले ही पेपर कैसे ख़त्म हो जाएगा, क्लियर है, टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है, और कुछ याद दिलाना मुझे मेरी 12th एग्ज़ाम की बातें, तो ये 10,000 माइनस 2,000 तो आंसर कितना आ जाएगा, 8,000 आएगा, जैसा मैं बुक में देख पा रहा हूँ आंसर 8,000 आया। इसको नाम क्या देना है, 2 पार्टनर्स कैपिटल 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ऑफ कोर्स प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप लिख सकते हो। और सर कौन से पार्टनर में जाएगा बेटा, अब भी फिलिंग द डेथ, जो पार्टनर होता है उसका प्रॉफिट, तीनों पार्टनर कौन है, रेखा मेनका और मुक्ता, तो तीनों पार्टनर में दे देंगे, रेखा मेनका और क्या आ जाएगा, मुक्ता, तो पहली लाइन में क्या आ जाएगा, रेखा, एक लाइन छोड़ना मेनका, और क्या आ जाएगा, मुक्ता आ जाएगा, क्लियर है। कितना दिया गया, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2:4, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1:4, 8,000, ये तो सिंपल ही है ना, 4 से कैंसिल करो, 4 2 8, 2000 की एक नोट, मतलब 2000 की दो नोट, तो कितना आएगा 4, पता चला कैसे आया, 4 2 8, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2000 आएगा, ये कहाँ आया, डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्लियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट
अकाउंट आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, प्रॉफिट। तो ये कितना आया था इसका, 4000, 2000, 2000। अभी मर कौन रहा है बेटा, मुक्ता। तो पहले मुक्ता को क्या कर दो, निपटा दो, क्योंकि उसको जल्दी है ना बेटा। तो इसका टोटल कर दो, यही साइड ज़्यादा है 34000। आपको एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्लियर है। 34000 प्लस 38000 प्लस 75000 प्लस 2000 प्लस 3750, आंसर विल बी 118750। यहाँ पर कितना आ गया, 118750। माइनस कितना करना है सर, 11000 मुझे क्या करना है, माइनस करना है, क्लियर है। तो आंसर कितना आया, 107750 आया, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरी बुक में भी आंसर क्या है, राइट आया है, क्लियर है। इसको नाम क्या दिया यहाँ पर, मुक्ताज एग्जीक्यूटर नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जो नाम लिखे आप लिख सकते हो, क्लियर। आपकी मर्जी, आपको जो नाम बोले वो नाम क्या करना, लिखना पड़ेगा, क्लियर। आपकी मर्जी, मतलब जो नाम बोले वो नाम नहीं, आपको जो नाम लिखना है वो नाम क्या करना है, आपको लिखना है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसको नाम क्या देना है, टू, यहाँ पर जो भी है मुक्ता। देखो अगर ये रिटायरमेंट का सम होता तो यहाँ पर क्या लिखता, मुक्ता लोन अकाउंट। अभी आपको तीन है यहाँ पर नाम, मुक्ता एडमिनिस्ट्रेशन, या तो आप क्या लिख सकते हो, नॉमिनीज, या तो एग्जीक्यूटर, लास्ट में क्या लिखना है आपको, लोन अकाउंट क्या करना है, लिखना है आपके पास तीनों। ए बेटा अभी तीनों नहीं लिखना है, कोई भी एक ही एग्जाम में, एडमिनिस्ट्रेशन, नॉमिनीज, या तो क्या लिखना है आपको, एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखना है, क्लियर है। अभी चलो इन दो बचे भाइयों का टोटल कर देते, कितना आया, 68। टोटल कितना आ जाएगा ये, 72 हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, 72 आ गया, ये 76 वाइट राइट है, 72 और 76, क्लियर है। अभी यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो यही सेम यहाँ पर आ जाएगा, 72 76। इसको देखो नाम क्या देता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको नाम क्या देना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू यहाँ पर नाम क्या देना है, बैलेंस कैरीड डाउन आपको क्या करना है, दे देना है, क्लियर है। ये कहाँ आ जाएगा, 72 और 76 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आपको, असेट साइड पे चला जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर 72 और 76 कैपिटल अकाउंट रेखा, और क्या आ जाएगा, मेन का 72 और 76, क्लियर है। ये 8 आ गया, 7 7 14, क्लियर है। 148000 आपको क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा, क्लियर है, जैसा मैंने यहाँ पर किया है बहुत ही अच्छे से। हाँ जी राइट है, इसलिए कुछ अलग ही क्या पता, चलो जान दो, दोनों आउटर में लिख दिया है। और अभी क्या आ गया, मुक्ता एक काम करते, एग्जीक्यूटर ही लिखता हूँ, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना ऐसा था आया था सर, 107750 दिया गया है, क्लियर है। तो ये कितना है, 148000 प्लस 107750 प्लस 18000 प्लस 2000, 175750, क्लियर है। यहाँ पर टोटल राइट आया मेरा, 175750। यहाँ पर टोटल कितना है, 275750। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 275750, क्लियर है। इसमें जरा चेक कर लेते, 75000 प्लस 2750 प्लस ये कितना है, 50000, ये 50000 है, क्लियर, 56 जैसा लग रहा रहेगा। और कितना है ये, 30000 और ऊपर का कितना गया, 48 और ये 70 प्लस 48 और 70 बच्चे लोग जी, 275750 अपना
राइट है क्लियर। मैं भी कोई एकदम बड़ी सी कैल्सीजर नहीं देखो, एकदम बटन बिटन सब निकला हुआ है क्लियर। इसको भी टेप पट्टी भी पट्टी मारा है, बस काम चला हो रहा है क्लियर है। बस मेरा काम है, नहीं होता तो मैं ऑलरेडी अपने हाथ से ही कर देता। कल परसों ही बात कर रहा था, CA का रिजल्ट आया, तो मेरी एक स्टूडेंट है गुड़िया यादव करके, तो CA की एग्ज़ाम दिया, CPT जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है फाउंडेशन, क्लियर हो गई। तो बता रही थी सर एग्ज़ाम में मैं कैल्सी लेके भूल गई थी, टू बी वेरी फ्रेंक बताया उसने कैल्सी लेके भूल गई थी सर। मैंने बोला तो बेटा सम कैसे किया सर, ओरली जैसे करते हैं वैसे ही मैंने कर दिया क्योंकि बुक में कर दी थी, और उल्टा क्या हो रहा है, जो बाकी सब कैल्सी से कर रहे तो दो बार टोटल कर, मैं तो एक ही बार कर रही थी क्योंकि मैं तो अपने हाथ से कर रही थी क्लियर है। तो उसने भी बताया, एक्चुअली मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला था, मैंने बनाया नहीं। ठीक है, ये सब हुआ, आगे चलो इलास्टेशन 2 के भी मैं आपको एडजस्टमेंट आपके साथ क्या करता हूँ डिस्कस करता हूँ क्लियर है। चलो बच्चे लोग इलास्टेशन 2 के मैं आपको एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, इलास्टेशन 2 पेज नंबर 190 पे दिया गया है आपको, इसका सम डिस्कस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो राकेश, महेश और यहाँ पर मुकेश आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, क्या दिया है 3:2, मतलब 3/6, 2/6, 1/6 आ जाएगा क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, मोटर ट्रक असेट, डेटर असेट, जैसे मैंने बताया RDD अगर बढ़ेगा तो लॉस होगा, जितना कम होगा तो प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट असेट्स, ये भी असेट्स में चला जाएगा। कैपिटल कहाँ चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये आपको खुद से करना है क्लियर है। क्रेडिटर असेट्स, बैंक लोन असेट्स, बिल्स पेबल असेट्स। मुकेश डाई कभी हो रहा है, 30 जून को हो रहा है। देखो अपना अप्रैल, मई, जून, तो जून मतलब कितने महीने हुए सर, 3 महीना ही हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 महीना। अगर 1 अक्टूबर रहता तो कितने महीने आते, 6 महीने। असेट्स रीवैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया, 44, बुक में कितना दिया है 40, मतलब 4000 क्या हो रहा है सर, ऐड करना है, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। मोटर ट्रक का 18, बुक में कितना दिया, मतलब 2000 क्या करना है सर, लेस करना है तो मुझे लॉस। इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया 17000, बुक में कितना दिया 18, मतलब 17, मतलब 1000 का वैल्यू क्या करना है मुझे, माइनस करना है क्लियर। आपको बहुत अच्छे से आता है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, ऑल डेटर आर वेर, क्या बोल रहे, गुड, मतलब सारे डेटर थे, मेरे को लगा था ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब ये 2000 मुझे लगा था पैसा नहीं मिलेगा, पर ये तो क्या हो गया, पैसा मिल गया, मतलब ये डेटर बैलेंस शीट असेट साइड पे कितना जाएगा, 16000, ये जो 2000 कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। सर क्रेडिट साइड पे क्यों, ऑल डेटर वेर गुड, मतलब हमने जो सोचा था कि ये 16000 में से 2000 नहीं देखे 14000, पर ये तो देव पुरुष निकला, इसने पूरा 16000, मतलब जो मैंने 2000 लॉस दिया था वो मेरे को हुआ ही नहीं, तो 2000 मेरे को क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा, इसका ऑल डेटर गुड, मतलब जो RDD रहेगा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2000 आ जाएगी क्लियर है। सर सेकंड इफेक्ट कहीं नहीं आएगी क्लियर है, ओनली क्या रहेगा वन इफेक्ट क्लियर है, खाली एक ही इफेक्ट रहेगी। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू रेट क्या दिया है, 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ, देखो नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ, मतलब गुडविल को शो करना नहीं है, मतलब सर गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है जरा मुझे आप बता दो। तो सबसे पहले यहाँ पर डाई कौन हो रहा है, मुकेश, तो गुडविल, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी सर गुडविल की, गुडविल अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट टू किसका नाम रहेगा यहाँ पर, मुकेश, कैपिटल अकाउंट रहेगा। अगर ये सेंटेंस नहीं बोला रहता, नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, तो ये वाला एंट्री नहीं आता। अगर ये नो, मतलब गुडविल को अकाउंट को शो करना नहीं, मतलब गुडविल कहाँ है, डेबिट में, तो गुडविल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा सर। तो सर डेबिट में किसका नाम आएगा, जो बचे हुए नाम कौन थे, राकेश, बचे हुए नाम यहाँ पर कौन है, एक मिनट रुक जाओ मेरे को देखने दो, कहाँ गया बेटा सम, बचे हुए दो पार्टनर है राकेश और महेश, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, राकेश, कैपिटल अकाउंट, और क्या आ जाएगा, महेश कैपिटल अकाउंट, क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्लियर, महेश, जैसे अभी हमने किया था, अभी खाली यही एंट्री आया था, फर्स्ट वाला ही आया था। ये कभी आएगा, जब मैंने रिटायरमेंट में आपको कराया था, अगर गुडविल को रिटर्न ऑफ करना रहेगा तो गुडविल कहाँ चला जाएगा, डेबिट है तो कहाँ, क्रेडिट में, और डेबिट में किसका नाम आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर को आएगा क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको करना है। आगे क्या बोल रहे, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू कैलकुलेट बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, तो ये जैसा अभी हमने किया, गुडविल निकालो, उसका 2 years का सम निकालो, बहुत ही समय। यहाँ पर सॉल्यूशन देखो,
मैं आज तक सम कराता हूँ, कभी सॉल्यूशन देखता ही नहीं, तो आप भी मत देखो। मैं खाली चेक करता हूँ वहाँ, बस राइट आया करने के बाद देखता हूँ, पहले नहीं देखता, करने के बाद देखो अच्छा राइट आया, हाँ जी राइट आया, तो सेटिस्फेक्शन मिलता। पहले ही देख लोगे तो मज़ा किस बात का। आशा करता हूँ आप इलास्ट्रेशन 2 मेरे लिए होमवर्क करोगे, लाइफ में पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। आगे डिसोल्यूशन का सम कराऊंगा, वहाँ पर मैंने बताया था डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।